बस आपको आमंत्रित करता हूं। दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने कहा बहुत लंबे समय से सक्रिय हैं और फील्ड में काफी कुछ जा रहे हैं। गौर साहब शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। अब आप मुझे बताइए कि पूर्वांचल के इस इलाके में और स्पेशली ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के बीच किस तरह की विचारधारा उत्पन्न हुई है, वोटिंग पैटर्न क्या है, वोटिंग बिहेवियर क्या है, कौन से मुद्दे चल रहे हैं और कौन से नहीं चल रहे हैं। नमस्कार विजय जी, एक बड़ा फैक्टर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये पूरी जो 13 सीटें हैं ये पूरी तरह से जातिवाद में उलझ के रह गई है। ये पूरा इलाका जो सपा ने भी जो कार्ड खेला है यहाँ पे कि वहां यादव बाहुल्य जो सीटें थी वहां भी दूसरी कम्युनिटी के लोगों को उतारा, ये भी उनका एक जातिगत कार्ड है। मजेदार बात यह है इसमें कि आप देखेंगे कि इन 13 में से 5 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां खुद प्राइम मिनिस्टर गए हैं। मतलब आज इसका महत्व तो समझ सकते हैं कि 13 सीटें भाजपा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और बाकी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। वाराणसी गोरखपुर सीटें भी ऐसी हैं कि जहां भारी संघर्ष चल रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए जातिगत एंगल अपनी जगह पर है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो निषाद हो, मल्ला हो, राजभर हो, कुशवा हो, तमाम तरह की जातियां हैं यहाँ पे। लेकिन इन इलाके में जो यादव बाहुल्य सीटों पर दूसरी जातियों के कैंडिडेट उतारने का, जैसा कि आपने बताया था, अगर ये सपा का फॉर्मूला ठीक बैठ गया तो ठीक है, वरना ये आखिरी दांव कि बिल्कुल फील्ड में बिल्कुल नजर आता सर, है। सर मुझे आप बताओ कि इस इलाके में देखिए, अब जब जाति की बात हो रही है तो खुल के बात हो ही जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और बीजेपी के सबसे बड़े सेनापति, बल्कि कहिए कि युद्ध उनके दम पर लड़ा जा रहा है, तो जब राजा खुद ही आ गया है तलवार लेके और उनकी भी कम्युनिटी ओबीसी है, तो बताइए इनके वाले ओबीसी कहां टिकेंगे। नहीं तो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, सपा भी ऐसा नहीं कि वन साइडेड कोई वहां कोई चल रहा है कि वो कोई कह दे कि मैं तो ये 4 सीटें जीत रहा हूं, वो नहीं है। क्योंकि बीजेपी ने भी यहाँ पे बहुत कड़ा मुकाबला खड़ा कर दिया है और खास तौर पर आप देख रहे हैं योगी जी तो मेरे ख्याल से लगभग लगभग सारी सीटों पर गए होंगे, अखिलेश ने भी पूरी ताकत लगाई है। तो ये जो जातिगत गणित है इस इलाके में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी बनिस्पत दूसरे यूपी से। अब मुझे दो तीन चार चीजें फटाफट सर आपसे ये जानना, देखिए अब देखिए फटाफट भी जानना है, कुछ चीजें आ जाती है, अब क्या कर रहे हैं, दिन भर तो न्यूज में रहते हैं वही सुनते रहते हैं। अच्छा गौर साहब, कुर्मी बिरादरी जिस पर मेरा बड़ा खास कंसर्न है, इनका वोटिंग पैटर्न क्या मानते हो आप, कुशवाहा कम्युनिटी, राजभर और निषाद बिंद जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, इसको अपन मानते, मैं ये मान के चलता हूँ कि कुर्मी, राजभर और कुशवाहा इनका पैटर्न आमतौर पर बीजेपी के साथ रहता है और इस बार भी हो सकता है बीजेपी के साथ जाए। सपा ने कोशिश की जरूर है कि ये इनको बदला जाए, लेकिन इनके पास उस लाइक कोई कोई चेहरा नहीं है जो इनको अपनी तरफ मोड़ सके, ये सबसे बड़ा फैक्टर है और आपको दिखेगा नतीजों में। आप मुझे बताओ कि सबसे पहले तो मुझे एक चीज ये क्लैरिटी दो, आप बीजेपी का कौन कौन सा मुद्दा चला मार्केट में, मार्केट मीन चुनाव में, और अपोजिशन का कौन कौन सा मुद्दा चढ़ा। हाँ मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ कि देखिए बीजेपी का जो धर्म का मुद्दा था वो मेरे ख्याल से नहीं चला, कुछ नहीं चला। हाँ ये बात सही है कि इस इलाके में महंगाई बेरोजगारी एक बड़ा इश्यू है। आप पहली बार मैं इस चुनाव में देख रहा हूं कि जो हमेशा मतदाता खामोश रहता था इस बार थोड़ा सा वोकल होकर बात कर रहा है, सोशल मीडिया पे अपना कमेंट डाल रहा है और आपके रिपोर्टर भी जब गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आदमी खुल के बता रहा है, अगर वो बीजेपी के साथ है तो बीजेपी की बात कर रहा है, कांग्रेस के साथ है तो कांग्रेस बता रहा है, सपा के साथ है तो सपा की बात कर रहा है। ये इस चुनाव का एक अलग टेस्ट है। दूसरी बात जो मेरा एक है कि मैं इस चुनाव को अगर अदृश्य कहूं तो वो कोई भी अतिशोक्ति नहीं होगी, क्यों कि सबसे बड़ा फैक्टर यहां पे बसपा का है। अगर यहां बसपा ने परफॉर्म नहीं किया जी तो सीधा सपा को फायदा है। परफॉर्म से आपका ताल्लुक क्या है, परफॉर्म से ताल्लुक बीएसपी के आपका जाटो यानी सजाती वोट है बहन जी वाला है, या अदर वोट आप देख रहे हो, जातिगत वोटर्स जो भी उसको जातिगत वोटर जाटो वगैरह जो वोट मिलते थे उसको जो उसकी जो पार्टी पावर में थी तब वो वोट मिला तब तो सपा के लिए बहुत खतरनाक है ये कि सपा को बिल्कुल बहुत भारी नुकसान होगा और वो परफॉर्म ही नहीं कर पाए
देखो सर, मुझे इस बात का डाउट है कि मायावती से कोई उनका सजातीय वोट छीन पाए अभी, मुझे ऐसा, क्या आप मानते हो? पर मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता। ये मानते हैं ठीक है 10-20% इधर उधर हो सकता है, पर लॉ एंड शेयर मायावती के ही पास होगा। 20% भी बहुत बड़े मायने रखता है इस चुनाव में। 20% वोटों का इधर से उधर हो जाना बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहाँ एक एक वोट की लड़ाई है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी के धर्म के कार्ड के सामने ही ये जो इंडी गठबंधन है, ये जातिगत कार्ड लेके आए, ये जातिगत गणना, ये गणना, वो गणना, ये धर्म के मुकाबले कार्ड खड़ा किया है। ये चला या नहीं चला? चलता है, चला या नहीं चला ये अभी, ये तो नतीजों से ही पता चलेगा, ये चला नहीं चला ये नतीजों से मालूम पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये चुनाव में ये 13 सीटें हैं, ये 13 सीटें बाकी उत्तर प्रदेश की सीटों से बिल्कुल अलग है। आप देखेंगे बिल्कुल साफ, बिल्कुल आपको लगेगा कि कई बार लगता है कि इसने टिकट गलत दे दिया या इसने सही दे दिया, या यादव बाहुल्य सीटों में दूसरे कैंडिडेट। ये कास्ट डोमिनेटेड एरिया है। अब जैसे गोरखपुर रीजन आप देखें, ब्राह्मण डोमिनेटेड है। हाँ, तो वहां हाँ, से बीजेपी ने क्या किया? गोरखपुर से प्रत्याशी हाँ, ब्राह्मण, कुशीनगर से हाँ, देवरिया से हाँ, 4 में से 3 सीट तो वहां दे ही रखी है। हाँ, लेकिन गोरखपुर में निषाद वोटरों की संख्या भी अच्छी है। हाँ, तो क्या काजल निषाद कोट देंगे निषाद, या फिर संजय निषाद के साथ वो बीजेपी के साथ जाएंगे? मैं गया था योगी जी के साथ जाएंगे। काजल निषाद को कमजोर कैंडिडेट माना जाता है। ओके, कि काजल निषाद रवि किशन के सामने कमजोर कैंडिडेट माना जाता है। और दूसरा वहां पे जो योगी जी का जो वो है पूरा प्रभाव, वो रवि किशन के साथ। अब एक लाइन में आप बताइए, प्रधानमंत्री का